दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दिया था जिसमें मैंने आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। तो जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को बनाने की कोशिश की है उसका आंसर कोड और वो असाइनमेंट दोनों आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम टेली के अंदर विजुअल और हिडन दोनों प्रकार के बटन बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रिपोर्ट के कंपोनेंट देखे थे, तो इसी रिपोर्ट को आज हम बटन के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम हिडन बटन का कोड कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हिडन बटन का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, हिडन बटन कोड। यहाँ से आपका हिडन बटन का कोड स्टार्ट हो रहा है। तो हिडन बटन बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम मेन्यू कीज डिक्लेयर करनी होगी। तो डिक्लेरेशन हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम, फिर कॉलन, उसके बाद मेन्यू कीज। इतना लिखने के बाद हमें बताना होगा कि कौन सी की है, कौन सी की आप बनाने जा रहे हो। तो की हम लिखेंगे KEY की, और की के बाद हम की का नाम लिख देते हैं। कोई भी की का नाम हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हिडन। अब हमने सिस्टम मेन्यू कीज़ को बताया कि हम एक हिडन नाम की बनाने जा रहे हैं। अब इस हिडन की को भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा और इसकी डेफिनेशन हमको लिखनी होगी। तो हम की को डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर करने के लिए वही ब्रैकेट हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे KEY की, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद की का नाम HIDDEN। इतना लिखने के बाद आपको तीन एट्रीब्यूट हमेशा लिखने होंगे इसके अंदर। एक है टाइटल, टाइटल के अंदर आप इस की का डिस्प्ले टाइटल लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ हिडन। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की, शॉर्टकट की के लिए हम यहाँ लिखेंगे KEY की, और जो भी आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं कंट्रोल, मैं लिखूँगा कंट्रोल, और प्लस करके कोई भी की, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ W। आपके सेम की दोबारा से नहीं होनी चाहिए, जो पहले से टैली में होती है वो की दोबारा से नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ अगर कंट्रोल एल्टर भी लिखना चाहें तो यहाँ कंट्रोल लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस के बाद लिखेंगे एल्ट, और फिर प्लस के साथ लिखेंगे W। अगर सीधा आप लिखना चाहते हैं तो Alt W, Alt+W भी लिख सकते हैं। तो आप की किस तरह से लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ये शॉर्टकट की बनाने के लिए है की एट्रीब्यूट। अब है एक्शन एट्रीब्यूट। ये एक्शन एट्रीब्यूट ये बताएगा कि आप जैसे ही इस की पर, यानी कि Ctrl+W अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए आपकी टैली के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये रिपोर्ट बनी हुई है ऑलरेडी, सैम्पल नाम की जो रिपोर्ट है ये डिस्प्ले होनी चाहिए। तो एक्शन, एक्शन के बाद मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिस्प्ले सैम्पल। यानी कि जैसे ही मैं इस की को दबाऊं Ctrl+W, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूं, मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए सैंपल रिपोर्ट। इतना कोड लिखने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम यहाँ राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे इस फाइल का पाथ कॉपी करने के लिए। उसके बाद हम टैली के अंदर आएंगे, यहाँ Ctrl+Alt+T4 टाइगर आपको प्रेस करना है, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, और यहाँ बिल्कुल लास्ट में आकर के आपको जो आपने कॉपी किया है उसको Ctrl+Alt+V के साथ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर 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 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको हिडन नाम से कोई भी की नहीं दिखेगी, लेकिन जब मैं Ctrl+W जैसे ही प्रेस करूंगा ये आपकी सैंपल रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। अगर आप यहाँ डिस्प्ले की जगह, सैंपल की जगह अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ बैलेंस शीट लिख देता हूँ, VALANCESHEET, यानी कि अब बैलेंस शीट वाली रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ और टैली के अंदर इसको दोबारा से एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मैं Ctrl+W प्रेस करता हूँ, आप देखिए बैलेंस शीट आपकी खुल गई है। तो आपने सीखा हिडन की हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको
सिस्टम मेन्यू की डिक्लेयर करनी होती है, उसके अंदर आपको बताना होता है आपकी की का नाम, उसके बाद की डिक्लेयर करनी होती है, और उसके बाद तीन एट्रीब्यूट के अंदर आपको की डेफिनेशन लिखनी होती है। तो ये तरीका होता है टैली के अंदर हिडन बटन बनाने का। अब बात करते हैं विजिबल, आपको बटन अगर कोई बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो विजिबल बटन बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ कमेंट लिख लिया है। कमेंट लिखने के बाद मुझे टैली को ये बताना होगा कि मुझे जो ये विजिबल बटन मैं बना रहा हूँ ये कहाँ पर दिखना चाहिए। तो मुझे ये विजिबल बटन मेन्यू के अंदर जब जहाँ मेरी गेटवे ऑफ टैली है, यानी कि जब भी मेरी मेन्यू आइटम खुले रहें वहाँ वहाँ ये बटन मुझे शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेन्यू, उसके बाद कॉलन। ये हैश आपको बता रहा है कि मैं मेन्यू की जो ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें कुछ एडिट कर रहा हूँ, या तो इसके अंदर कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैश मेन्यू, उसके बाद मेन्यू का नाम। मैं यहाँ लिखूँगा डिफॉल्ट, यहाँ मैं गेटवे ऑफ टैली ना लिख के अब लिखूँगा यहाँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब भी मेरी मेन्यू ऑन रहेगी, जब भी मेरी मेन्यू चलती रहेगी स्क्रीन पर, तो मुझे ये बटन दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा डिफॉल्ट, एंटर करके हम सेकंड लाइन में आएंगे। यहाँ हम लोकेशन लिखेंगे कि हमें ये बटन कहाँ शो होना चाहिए। हमारी टैली में एक ही राइट हैंड साइड पर बटन शो होते हैं, एक ऊपर टूल बार है यहाँ पर बटन शो होते हैं। अब राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं इसमें एक ऊपर की साइड बटन शो होते हैं, एक नीचे की साइड बटन शो होते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप बटन कहाँ शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टूल बार। टूल बार बटन में मुझे, यानी कि बटन मुझे यहाँ ऊपर की साइड शो होना चाहिए। टूल बार के बाद मैं यहाँ कॉलन लिखूँगा, और कॉलन लिखने के बाद मैं बटन का नाम लिखूँगा जो भी बटन मुझे शो होना चाहिए। अब मैं यहाँ बटन बना लेता हूँ विजिबल। विजिबल नाम से मैंने एक बटन बनाया। अब इस बटन का कोड आपको लिखना होगा। तो पहले बटन को हम डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ बटन को डिक्लेयर करेंगे BUTTON से। उसके बाद बटन का हम नाम लिखेंगे। तो हमारे बटन का नाम है विजिबल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद ये तीन की एट्रीब्यूट वापस से हम लिखेंगे, इनको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो बटन हो या की हो, आपको ये तीन एट्रीब्यूट के अंदर लिखना होगा। अब यहाँ जो बटन के अंदर टाइटल है यहाँ हम कर देते हैं विजिबल। अब आपको ये बटन विजिबल होगा और उसके अंदर टाइटल लिखा होगा विजिबल। आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं, इसका कोई यूटिलाइज भी नहीं है क्योंकि आपने हिडन लिखा टाइटल, लेकिन आपको ये जब दिखता ही नहीं है तो आप इसको हिडन बटन के अंदर टाइटल को आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन विजिबल बटन के अंदर आपको टाइटल लिखना जरूरी है। और यहाँ की आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ की लिख देता हूँ Alt+W, यानी कि Ctrl+W से तो मेरी हिडन की का रिजल्ट आएगा और Alt+W से मेरी विजिबल की का रिजल्ट आएगा। अब विजिबल जो की हमने बनाई है उसका एक्शन सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एक्शन डिस्प्ले, कौन सी रिपोर्ट आपको डिस्प्ले करनी है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। मुझे सैंपल रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था। अब इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं और हमारी टैली के अंदर आएंगे। पहले इसको एक बार कॉपी कर लेंगे यहाँ से पाथ को, उसके बाद हम टैली के अंदर आएंगे और यहाँ Ctrl+Alt+T4 टाइगर प्रेस करेंगे, उसके बाद F4, उसके बाद लास्ट में आकर के हम पाथ को Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, अब मैं Ctrl+W यहाँ प्रेस करता हूँ तो आपको बैलेंस शीट ओपन हो गई। अब हमने एक बटन बनाया था Alt+W। Alt+W आपको यहाँ दिख रहा है, ये टूल बार है, आपको यहाँ शो हो गया। आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको सैंपल रिपोर्ट ओपन हो गई। आप चाहें तो Alt+W प्रेस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो भी आपको सैंपल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अब जो ये बटन यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ नहीं दिखा करके हमें यहाँ दिखाना है।
तो हम यहाँ टूल बार की जगह लिखेंगे टॉप बटन। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और अब टैली को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बटन आपको यहाँ शो हो गया है, Alt W विजिबल। तो दोस्तों, विजुअल बटन बनाने के लिए आपको पहले तो ये बताना होता है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी मेन्यू के अंदर या कौन कौन से फॉर्म के अंदर आपको ये बटन दिखना चाहिए और किस जगह दिखना चाहिए। उसके बाद आपको बटन की पूरी डेफिनेशन लिखनी होती है। सबसे पहले बटन को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम इन तीन एट्रीब्यूट के अंदर बटन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों बटन बनाना आ गया होगा। अब बात करते हैं आज के होम असाइनमेंट की। तो आपको असाइनमेंट के अंदर आपको एक ये बटन दिख रहा होगा, कंट्रोल जेड रिफ्रेश TDL। इस बटन से क्या होता है कि जो भी मैं TDL यहाँ चेंज करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, उसको सेव करने के बाद मुझे यहाँ TDL के अंदर बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार लोड कर रखा है और मैं केवल यहाँ रिफ्रेश TDL पर क्लिक करता हूँ और उससे मेरा जो कोड है वो वापस रिफ्रेश हो जाता है, लेटेस्ट कोड अपडेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग टैली में भी चेंजेज हो जाते हैं। तो आपको ये आज रिफ्रेश TDL बटन बनाना है। आपको एक बार हिडन तरीके से बनाना है और एक बार आपको विजुअल तरीके से बनाना है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक्शन के अंदर आपको रिफ्रेश TDL लिखना है। एक्शन के अंदर आपको रिफ्रेश TDL लिखना है, बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको दो तीन रिपोर्ट हैं, जैसे आपको रिपोर्ट है स्टॉक समरी, ये आपको डिस्प्ले करनी है। एक बटन बनाना है इसके लिए अलग से। ये दो बटन बनाएंगे, एक तो रिफ्रेश TDL के लिए और एक दूसरा स्टॉक समरी के लिए। तो आपको इस असाइनमेंट की डिटेल मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन आंसर मैं इसका सेकंड वीडियो अपलोड करने से पहले डालूँगा, तो आप अपने अपने प्रयास में कसर मत छोड़िए, पूरा प्रयास कीजिए। और लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप क्लिक करके इसका आंसर और पूरा असाइनमेंट देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।